हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और काफ़ी टेस्टी बनते हैं और साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई या फिर पैन, और इसमें डालेंगे 2 कप दूध। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 1/3 कप डाल रही हूँ चीनी। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो तो इस तरह से चलाते हुए अच्छे से करें इसे मिक्स। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई, और हाई फ्लेम पर अब हम इसे 2 मिनट के लिए चलाते हुए उबालेंगे। 2 मिनट दूध उबलने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मलाई, और ये दूध की मलाई है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून मलाई। इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है नारियल के लड्डू में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मलाई है तो आप इसमें ऐड करें, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास ये घर पर मलाई रखी हुई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी, इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। दूध की मलाई डालने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, इसे 2 मिनट के लिए और उबालेंगे ताकि हमारा दूध थोड़ा सा हो जाए ठीक। तो लगातार इस तरह से मैं इसे चलाती रहूँगी, और साथ के साथ जो किनारे पे मलाई लग रही है ना उसे भी मैं हटाती रहूँगी, और इस तरह से हम 2 मिनट के लिए इसे उबाल लेंगे। 2 मिनट दूध को उबालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नारियल का बुरादा, और मैं इसमें 1.5 कप डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। 1 कप मैंने इसमें डाल दिया, और अच्छे से कर लिया इसे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप और ऐड करेंगे, और अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। मिक्स करते हुए अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए और पैन छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। और ये देखिए, मैंने इसे 2 मिनट के लिए और कुक किया था, आप देख सकते हो इसने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और जो दूध का मॉइस्चर होता है ना वो बिल्कुल इसमें ख़त्म हो चुका है। इस स्टेज पर अब मैं क्या करूँगी, एक प्लेट में निकाल लूँगी थोड़ा सा वाइट पार्ट, क्योंकि मैं लड्डू बना रही हूँ 2 कलर के, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा वाइट पार्ट निकाल लिया है। और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है तो उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा फूड कलर। मैंने इसमें पिंक फूड कलर का इस्तेमाल किया है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसमें ऐड करें या फिर आप इसे स्किप करें, और जो वाइट लड्डू बना के आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। कलर डालने के बाद अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। और ये लीजिए, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में। मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है वाइट वाला, और इसका छोटा सा बना लिया मैंने लड्डू, और अब हम लेंगे पिंक वाला पार्ट। तो इसमें छोटा सा लड्डू इसमें डालें, और इसको स्टफ करके अच्छी तरह से इसे बना लें, और इस तरह से हम गोल गोल इसका लड्डू बना के करेंगे तैयार। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा लड्डू बन के तैयार हुआ है। लुक वाइज हमारे लड्डू अच्छे लगे, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी ना, इस तरह से थोड़ा सा नारियल का बुरा डालूँगी, और इस पर अच्छी तरह से इसे कर लेंगे कोट। और ये लीजिए, हमारे नारियल के लड्डू बनके हो गए तैयार। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुए। तो इसी तरह से बाकी के जो लड्डू है उसे भी आप बना के कर ले तैयार। और ये देखिए, नारियल के लड्डू बनाना बिल्कुल आसान है और साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अब मैं लड्डू को आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए, और देखते ही कर रहा है ना खाने का मन। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।